एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज गांधी भवन में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें कांग्रेस के सभी लीडर मौजूद थे। फिरोज खान साहब और गौस भाई साहब के बच्चों में कुछ बात को लेकर अनबन हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों में नाइत्तेफाक़ी पैदा हो गई। फिरोज खान साहब ने उस बात को क्लियर कर दिया। देखते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब शूटर की ये रिपोर्ट। अब जो मेरे को सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ये जो छोटी सर की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये सब्जेक्ट ये था कि फेशियल रिकग्निजेशन ऐप बोल के एक है और वो ऐप काउंसलर इलेक्शंस में आज से 6 महीने पहले पायलट प्रोग्राम के वैसा यूज करे मलकाजगिरी एरिया में। अब मैं पार्टी को ये बात बोल रहा था कि ग्रेटर हैदराबाद में नामपल्ली से लेके चंद्रायन गुट्टे तक ये जो 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हैं जहाँ पे MIM का दबदबा है, ये लोग कभी भी बोकस वोटिंग से जीतते, कभी भी ऑथेंटिक वोटों से नहीं जीतते, डुप्लीकेट वोट्स, डबल वोट्स इससे जीतते। तो ये जो फेस रिकग्निजेशन ऐप है और ये जो है कभी भी बुरखा में औरतों को हायर करते, तो हमारा ये बोलना मतलब है कि बुरखे में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, बुरखे से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो बोकस वोट डाल रहे हैं इससे प्रॉब्लम है। तो बुरखा पहनना या नहीं पहनना वो पर्सनल मामला है, मगर अगर से आप फेस रिकग्निजेशन ऐप रखेंगे उससे आप जाने जाएंगे कि आप कौन है। और इमीडिएटली ये जैसा पायलट प्रोग्राम हुआ, असदुद्दीन आके मीडिया के सामने बोलते कि फेस रिकग्निजेशन ऐप नहीं होना प्राइवेसी को इनक्रोच कर रहा और हमार को प्रॉब्लम रहता, ये बिल जो लाए वो बीजेपी की गवर्नमेंट लाई, जल्दबाजी में लाई, ऑथेंटिसिटी नहीं है, इनके पास सही डेटा नहीं है। तो मैं पलटा के हमारी पार्टी को बोल रहा था, नोटिफिकेशन आने से पहले अपन इलेक्शन कमीशन दिल्ली और इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के पास रुजू होके सेफ डेमोक्रेसी बोल के बोलेंगे जहाँ पे फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। और मैं ये बोला कि बुरखे से प्रॉब्लम हमारे को ये है कि सामने वाला बुरखे को यूज़ कर रहा, वो बुरखे को हम बहुत इज्जत करते मगर सामने वाला एनडीओ एडवांटेज ले रहा, उसके लिए हम उनको तोड़ने के लिए हम फेस रिकग्निशन ऐप लाएंगे। तो उसमें हमारे चंद 2-3 भाइयों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर हम समझा दिए उनको, वो उन्हें भी समझ गए और आप लोग भी समझ गए। और रही बात आज की जो मीटिंग है, पूरे डिवीजन प्रेसिडेंट्स, कंटेस्टेड MLAs, कंटेस्टेड MPs, वार्ड प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, इनकी मीटिंग थी कि एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कि आने वाले चुनाव को TRS को BJP को हम किस तरीके से काउंटर करेंगे। तो आज का मेन मुद्दा ये जो डिवीजन प्रेसिडेंट्स थे उनसे राय मशवरा लेना और उन लोगों को ये बात बोलना कि आपके बूथों को आप मजबूत करिए, क्योंकि बुनियाद आपके बूथ है। अगर से आप बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे ना तो महल ठहरेगा ना तो झोपड़ी ठहरेंगी। तो ये थी आज के टॉपिक। सर नामों का भी ऐलान किया? सर नहीं, आज अभी 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 बहुत वर्कआउट बाकी है, इमीडिएटली करने वाले हम नहीं है, राइट। चंद गलतियां पहले हो चुके हैं, अब इंशाल्लाह नहीं होंगे। एंड हमारी मेरी फिरोज खान की कांग्रेस के जानिब से हमारे कैडर को गुजारिश थी और पूरे हमारे ग्रेटर हैदराबाद के कैडर को गुजारिश थी कि आप आपके बूथ लेवल को मजबूत करिए, बोकस वोटा देखिए। और डिलिमिटेशन सही नहीं है, डिलिमिटेशन जो सब्जेक्ट है, आपको जितना पॉपुलेशन है आप उतने वार्ड्स रहना। एक वार्ड 20,000 का है, 30,000 का है, एक 70,000 का है, और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करा। एक आरा कॉपरेटर, उसके अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ लग रहे हैं, ये गली कोई दूसरे को जा रहा, वो गली किसी और को जा रहा, तो TRS और MIM मनमानी करके बांट लिए और ये लोग बोकस वोटिंग, वोटर लिस्ट और डिलिमिटेशन करके ये लोग चुनाव जीत रहे हैं।
देखिए, हम कांग्रेस पार्टी को ये बात बोलना चाह रहे हैं, हमारे पास इतने बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है और इतने महारथी है जो केसीआर के हर एक बात को हम आंसर दे सकते, क्योंकि केसीआर सिर्फ बातों का है और कोई भी डेवलपमेंट नहीं लाया। सिंपल बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, 2015 या 16 में जब इलेक्शन हुआ तो डबल बेडरूम बोले, आज को 2020 है, एक तो भी डबल बेडरूम आया नहीं आया। तो बट्टेबाजी बातें करने में केसीआर साहब नंबर वन है और उनके साथ उनके चेले असदुद्दीन नंबर टू है। तो हम ये बात बोले कि ओके भाई, जो भी उनके मुद्दे रहेंगे उनको हम काउंटर करेंगे, ये छोटी बात है हमारे लिए, मगर जो बुनियादी ना काम करे, डिलिमिटेशन और बोकस वोटा है, इसको हम कंट्रोल में ला लेंगे तो बराबर कांग्रेस मजबूत होंगी। आज पब्लिक टीआरएस से थक गई, आज एमआईएम से थक गई, वो लोग को अल्टरनेटिव चाहिए, मगर वो लोग घरों से निकलते उससे पहले उनके वोटान दल जाते। आपके पास आपका कार्ड रहता, आपके बूथ में जाते, लिस्ट में आपका नाम नहीं रहता, आपको कहां की दूसरे बूथ में नाम रहता, तो इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग बूथ। तो ये पूरे मैकेनिज्म आज चीटिंग के टीआरएस और एमआईएम कर रही। तो मैं चाहता था कि मेरे जितने भी डिवीजन प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो जांबाज सिपाही है, वो बात को समझ जाए कि हमारी आखिर गलती का है। देखिए, हम चुनाव हारे बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब सही नहीं है, हमारे सीनियर लीडर सही नहीं है बोल के हम तोहमत देते, वो लोग क्या करेंगे जब बुनियाद पे हम बात सही नहीं कर रहे हैं। मैं आज क्लियर कट एक बात बोला, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब 5 साल से पीसीसी प्रेसिडेंट है, आज मैं जाति घर में रहता हूँ मगर वो किराए के घर में रहते, 5 टाइम MLA है, आज के प्रेजेंट MP है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, उसके बाद भी उन्होंने किराए के घर में रहते, उनको एक किराए का घर बंजराइल्स में है, और जब मैं उनके कोदाड़ उनकी बीवी के इलेक्शन में गया तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर भी उन्होंने किराए के घर में, इतनी ईमानदारी से कैप्टन साहब हमारे काम करते। हमारे लोग बाहर निकल के बोलते नहीं भाई, हमारी हाईकमांड सही नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट साहब सही नहीं है। तो मैं हमारे जांबाज सिपाहियों से ये गुजारिश करा कि आज कांग्रेस को आपकी ज़रूरत है, आज कांग्रेस के विकास के लिए, कांग्रेस के बुलंदी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप लोग मिलके आइए और हम मिलके एक फाउंडेशन बनाएंगे, कुर्बानी देंगे, और कल हम रहो या ना रहो आने वाली नस्लों को एक मजबूत कांग्रेस देंगे, क्योंकि यहाँ से बूथ लेवल से ये खोखला कर दिए, जागो, खाली टिकटा न को पूछो, टिकटा पूछने से कुछ आता नहीं, बुनियादी काम करिए। मैं दिल जलावा हूँ, 3 टाइम नामपल्ली में चुनाव हारा, 3 टाइम 50,000 वोट लाया, मगर मैं चुनाव हारा क्योंकि मेरे पास भी बूथों में प्रॉब्लम है। आज मेरी नामपल्ली की आवाम मेरे को पलट के बोलती कि फिरोज खान हम खाना नहीं खाए, उनके बच्चे बोलते फिरोज खान हम खाना नहीं खाए, क्योंकि आप हार गए, आप टेक्निकली हार गए होंगे मगर आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे MLA हैं। तो मेरी आवाम को धोखा दिए, काश मैं जीता तो आज मैं उनके मुस्तकबिल बना सकता था। ये लोग चीटिंग करके चोर ओटा ले लेके, बेमानी के ओटा ले लेके ये लोग आज पावर में हैं। तो एक दिल जला जो रहता, क्योंकि नामपल्ली से मेरे को मोहब्बत है, एक दिल जला आशिक जो रहता आज अपनी दिल जलाई बता रहा था कि मैं हारा नहीं, मैं जीता हुआ हूँ आवाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, मेरे माँ बाप की नज़र में, मगर ये साले बट्टेबाजा बोकसिंगा करते, फिर चुनाव में अपने को बोकसिंगा करते, फिर कांग्रेस को हरा देते। तेलंगाना दीसो कांग्रेस है, आज हम बाहर वाले हो गए और ये घर वाले हो गए, हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। एक तेलंगाना आज मजबूती से काम करके बोकस वोटों को पकड़ेगा और उसके बाद में डिलिमिटेशन प्रॉपर करेगा तो हम सारे तेलंगाना को एक मिसाल बन जाएंगे। और ये कॉपरेटर हम जीतेंगे तो सारे तेलंगाना में एक आवाज़ गूंज उठेंगी कि आने वाले MLA इलेक्शन के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। ये मैसेज देने के लिए मैं मेरे जांबाज सिपाहियों से ये गुजारिश करा, कांग्रेस की आन बान शान के लिए आज मैं तुम्हारी कुर्बानी चाहता हूँ। एक ही आवाज़ में बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एक ही आवाज़ में बोले राहुल गांधी जिंदाबाद, एक ही आवाज़ में बोले सोनिया गांधी जिंदाबाद, एक ही आवाज़ में बोले उत्तम कुमार रेड्डी, एक ही आवाज़ में बोले, और आज भी हम एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। छोटे मोटे चीज़ें हमारे घर में होते, ये हमारी घर की बात है, कोई भी रहो वो मेरे बड़े भाइयाँ हैं। और फिरोज खान आपके चैनल के सामने बोल रहा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबसे छोटा कार्यकर्ता भी है, तो मैं उससे माफ़ी चाह लूँगा, मैं उसको गले लगा लूँगा, क्योंकि कांग्रेस को बुलंदी पे देखना चाह रहा फिरोज खान। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। फॉर मोर डिटेल्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑन दिस चैनल प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। And do not forget to like,